तो भाई आज हम खिला लेने आपको बढ़िया सा कढ़ाई चिकन। घने जंगल के अंदर हम लोग यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, इतना रिस्क उठा के, जबकि यहाँ पे भालू और जो लेपर्ड है उसका भी यहाँ पे डर बताया है लोकल लोगों ने। तो गाइस यहाँ पे एक भसड़ हो गया, हमारा टायर ये फंस गया पीछे, डैडी इतनी देर से लग रहे थे रात के टाइम में, वही बीर बिलिंग वाला सीन बन गया हमारे साथ। देखो ये अरे एक सेकंड रुको, फ्री घूम रहा है, हाँ या तो पीछे भी लगाना पड़ेगा शायद एक पत्थर। तो गाइस फाइनली हमने अपनी जो लोकेशन है वो फाइनल कर चुके हैं, तो बिल्कुल नदी के जस्ट हम यहाँ पे अपनी कैंपिंग करने वाले हैं। और देखो कितना सुंदर प्यारा नज़ारा, बस यहाँ के जो लोकल अभी एक बच्चा मिला था उसने बताया कि रात में खतरा है यहाँ पे जानवरों का है, जो कि बाघ और भालू। रेडी क्या कहना चाहोगे उस पर? अरे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं यार, और आएगा तो देख लेंगे उनसे भी दोस्ती। ये भाई पहले ऐसे इंसान है जो एक्साइटेड है भाई भालू और शेर से मिलने के लिए। यार आप जंगल में कैंपिंग करने आ रहे हो, ये बिल्कुल रॉ प्लेस है, तो फिर इन चीज़ों से क्या डरना। हाँ खैर बात तो ये भी है, चलो लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और उसके बाद फिर आग जलाएंगे। हाँ बोनफायर के लिए गाइस पहले लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। भाई सही में जिंदगी की पहली सोलो रो कैंपिंग है, कभी जिंदगी में नहीं करी अकेले में। कैंपिंग का नाम ही एडवेंचर है। हाँ तो गाइस अभी गाड़ी से दूर जाने लग रहे हैं हम लोग लकड़ियाँ ढूंढने के लिए, क्योंकि बोन फायर करेंगे, ठंड बढ़ती जा रही है। अब मेरे तो कान भी भाई ठंडे से होने लग रहे हैं, तो डैडी तो आगे आगे भागने लग रहे हैं भाई मेरे से, इतने कि मैंने जूते ऐसे पहन रखे ना, तो इस वजह से मैं ऐसे पत्थरों पर चला नहीं जा रहा। तो डैडी को एक वो दिख गई है सामने, अब वो दिख रहा है वो खजाना। तो गाइज अभी बहुत एक अच्छा काम हो गया, ये लकड़ियाँ मिल गई हमें, जो सामने भाई जान लग रहे हैं वो लकड़ी लेके आने लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई हमें ऐसे ऐसी लकड़ी चाहिए, तो ये है कि भाई उन्होंने हमारी मदद करी। तो भाई यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एक चीज़ ये तो है ना, कुछ भी कहो उन्होंने खुद ही कह दिया। लोग खुद ही कहने लगे कि आप यहाँ से ले लो। हाँ एक दो लकड़ियाँ उठा लेते हैं हम भी ना, फिर भी जैसे ये छोटी मोटी लकड़ियाँ हैं ये वाली, ये तो खैर कितनी चलेंगी। वैसे अपने पास माचिस वाचिस तो कुछ है नहीं? हमारे पास लाइटर है। लाइटर है, चलो ओके भाई भाई ऐसे ही मिल गई एक और। हाँ इसके ऊपर देखते हैं, ये भी हो सकता है, पूरा उठा दे। तो गाइस लकड़ी लेके तो हम यहाँ पे आ गए थे, बाकी अब जैसे कि रात होने वाली है तो यहाँ पे सेटअप चलने लग रहा है अपनी पूरी किचन का और पूरी कैरावैन का, तो सारी चीज़ों को समझाते हैं और यहाँ पे बॉनफायर करेंगे। फिर पहले तो लाइट का सिस्टम कर देंगे, यार मेन लाइट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं है हमारे पास। वहाँ दूर लोग हैं कुछ जो मजदूर हैं यहाँ पे रिवर को साफ रिवर का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लड आया था तो वहाँ पे रहते हैं, तो उनके जस्ट सामने हमने यहाँ पे कैंपिंग करी। तो यहाँ पे लाइट लगा लेते, पहले चार्ज नहीं हो रखी के है, अरे वो फुल था वो बस। ओके तो गाइस एक लाइट अपनी लग चुकी है, थोड़ी बहुत रोशनी यहाँ पे आ गई है। और ठंड गाइस मेरे हाथ यार थोड़े से ना मतलब काम करने बंद से कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे डैडी आग जलाने लग रहे हैं और वहाँ पे बब्बी खाना बनाने की तैयारी। पहले तो बब्बी कॉफ़ी बनाओगे ना आप? हाँ कॉफ़ी बनाओ यार, बहुत ज़्यादा मेरे को तो भाई ठंड लगने लग रही है सच में गाइस, मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई है। हो गया काम? अरे वाह भाई जल गई यार, आदि माना वो, ये बात तो है। तो गाइस यहाँ पे हमारी बोन फायर शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत कैसा लग रहा है? मज़ा आ गया भाई, यहाँ पे रिवर का नज़ारा। और भाई छः बजे देखो यहाँ पे कैसा अंधेरा हो गया है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गाइस 2:10 बज गए। जल्दी शाम होती है, जल्दी सुबह होती है भाई। हाँ
हमें भाई आदत है 12-12 बजे सोने की, अब तो जल्दी सो जाएंगे आज। ना सोएंगे क्यों जल्दी, आग पे बैठेंगे। बहुत मजा आ रहेगा इस लगाई, 2-4 घंटे आराम से बैठेंगे भाई, मजा आएंगे पूरा। तो गाइस यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी बॉनफायर चलने लग रही है और अब हम बढ़ते हैं अपनी किचन की तरफ। तो डैडी आज आप हमारे शेफ होने वाले हो मम्मी की जगह। बिल्कुल आज आपको बना खिलाएंगे बढ़िया वाला चिकन। चिकन, अरे वाह, मैं तो पूछने वाला था कि आप क्या बनाने वाले हैं, आपने तो पहली रेसिपी खोल दी। पहले रेसिपी खोल देता हूँ ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। अच्छा अच्छा, मैं बनाऊंगा अपने हाथों से, देखना कितना मजा आने वाला है। अच्छा तो फिर क्या क्या चीजें अपनी होने वाली है इसमें बताओ। अभी देखो मैंने इसमें खड़ा मसाला किया है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ प्याज लहसुन है। अच्छा, फिर चिकन है जो कि मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। बॉईल करने से क्या है कि जो उसमें कीटाणु वीटाणु होते हैं सब मर जाते हैं, साफ सुथरा किचन हो गया। अरे वाह, तो गाइस मम्मी वहाँ पे बैठ कर आराम से देखो बोनफायर के मजे लेने लग रही है। तो आज क्या कोई काम नहीं है क्या? नहीं आज मुझे काम नहीं है, आज तुम दोनों काम करो। आज हम दोनों काम करेंगे, देख रहे हो गाइस ये होती है भाई जिंदगी कैंपिंग में। तो यहाँ पे डैडी तेल गरम करने लग रहे हैं, तेल जैसी गरम होता है। तेल का पकाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर तेल कच्चा रह जाएगा तो क्या होगा, उसमें फिर एक स्मेल आती है अजीब सी, उसमें मजा अच्छा, नहीं आता। और गाइस वो हमारा चिकन वहाँ पे देखो वो रहा, तो ये रखा। पहले तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे, बढ़िया वाला तेल गरम करेंगे, उसके बाद खड़ा मसाला डालेंगे। ये देखो खड़े मसाले, कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पे भाई, वाह क्या क्या खड़े मसाले में अपने पास। खड़े मसाले में तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, जीरा है भाई, काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें। अच्छा, अच्छा तो अभी एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये तैयार हो गया। अब ये बिल्कुल तैयार है, धुआं देने लग रहा होगा इस तेल। हाँ, जब तेल धुआं देने लगता है तो समझो कि तेल पक चुका है। अभी हम इसमें डाल लेते हैं अपने खड़े मसाले। वही वाह, तो गाइस यहाँ पे हमारा खड़ा मसाला भुन चुका है। यहाँ पे देखो किस किस चीज़ का पेस्ट है भाई, इसमें मैंने सब कुछ खड़ाई डाला है, लहसुन है, अदरक है, प्याज है, सब कुछ हमने खड़ाई करा है आज। अच्छा गरम गरम चीज़ें डाले क्योंकि ठंड वैसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ। और गाइस खुशबू बहुत तगड़ी आ रही होगी, मैं बता नहीं सकता क्योंकि भाई मेरे इस समय जुकाम हो रखा है, बाकी डैडी बताएंगे। खुशबू अच्छी आ रही भाई। अब इस प्याज को इतना भुनने दे रहा जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है ना। ब्राउन नहीं हो जाते तब तक इसको हम डालेंगे और इसको पकाएंगे अच्छे से, फिर इसमें डालेंगे मसाले क्योंकि मसाला पकेगा तो ही, मसाला पकने के बाद जो है टेस्ट आता है, जितना मसाला पकेगा उतना ही वो पानी भी छोड़ेगा और टेस्ट भी आएगा। वाह, तो जैसे हमने तेल गरम कर लिया बढ़िया वाला, तो क्या है अब तेल की महक जो है वो ख़त्म हो गई। अब जरा इसको लाइट ब्राउन कर लेते हैं हम लोग। तो भाई आज हम खिलाने वाले हैं आपको बढ़िया सा कढ़ाई चिकन। और ये देखो मैंने जो ना देसी स्टाइल में मैं इसको बना रहा हूँ, इसमें हमने मसालों को मसाले लेकर सारे इकट्ठे करके और इसमें हमने पानी डाल दिया। इसमें है हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला और नमक। और अब हम इस मसाले को डालकर पकाएंगे इसमें। एक नंबर भाई साहब आज चिकन बनने वाला है। हाँ तो बने रहो मेरे साथ और देखो चिकन का क्या स्वाद आने वाला है भाई। और शायद कैंपिंग में पहली बार ही मैं बना रहा हूँ चिकन। हाँ हाँ पहली बार ही, मैं मतलब सब्जी तो मैं पहली बार ही बना रहा हूँ, चाहे चिकन की बात हो चाहे कुछ भी हो। मम्मी करती थी नहीं तो मम्मी पर आज रेस्ट पे आएगा इस बिल्कुल आराम से, क्योंकि वो नॉन वेज थोड़ा बनाती नहीं है ना और ना ही खाती है, तो फिर इसीलिए मैंने भी अवॉइड किया कि ठीक है भाई। हाँ। जब नहीं खाते हैं तो कोई नहीं, हम बनाएंगे। देखो भाई अब ये मसाला जो है ना धीरे धीरे तेल छोड़ देगा, अब तेल छोड़ देगा जितना ये पकेगा ना उतना। देखो ये तेल छोड़ना शुरू कर दिया, ये देखो देख लो गाइस, ये देखो ये जब मसाले के असली वो है कि जब मसाला पकेगा ना तो ये तेल छोड़ना शुरू कर देगा। तो गाइस अगर मैं आपको आसपास दिखाऊं तो भाई कुछ भी नहीं है, देखो दूर दूर तक कोरा भाई अंधेरा है। और ये जो लाइट आप देख रहे हो ना भाई ये दूर के पहाड़ की लाइट है। और यहाँ पे देखो हमारा सेटअप है, ये देखो भाई हमारा सेटअप रहा, ठीक है। मतलब इस घने जंगल के अंदर हम लोग यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, इतना रिस्क उठा के, जबकि यहाँ पे भालू और जो लेपर्ड है उसका भी यहाँ पे डर बताया है लोकल लोगों ने। तो देखते भाई जैसे भी होगा, आपके लिए वीडियो तो बनानी है ही, इश्क है तो रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा। तो भाई ये डाल दिया हमने इसमें चिकन, अब हम चिकन को काफ़ी देर तक इसमें पकाएंगे। गाइस जो मेरे देखो सिर्फ वेज खाने वाले लोग हैं ना उनसे रिक्वेस्ट है कि गाइस प्लीज़ आप ये थोड़ा स्किप कर देना पार्ट, ठीक है। यहाँ आई नो कि हम लोग ये चीज़ें बना रहे हैं पर आपको मैं क्लियर हैंड राइट डिस्क्लेमर दे रहा हूँ
ये यहाँ से लाइट हट गई। तो मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि भाई जो नहीं खाता है ये, जैसे मम्मी नहीं खाती तो मम्मी अपना उस साइड बैठी हुई है तो आप नहीं खाते, तो गाइज आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, बट यहाँ पे ये नीड है। और हमने आधा किलो ही लिया था क्योंकि हमें दो जने ये यहाँ पे खाने वाले। तो गाइज ये देखो, ये हमारे चिकन का टेक्सचर निकल के आया भाई साहब, कितना तगड़ा आया, रेडी है ना, मजा आ गया आज, है ना, बढ़िया। मैंने क्या कहा था, चिकन खिलाऊंगा तो एक नंबर का खिलाऊंगा भाई। ये बात तो बिल्कुल आपने सही की थी भाई, बहुत सही चिकन का टेक्सचर निकल के आया, देख सकते हो आप ग्रेवी। बाकी मम्मी वहाँ पे हमारे लिए रोटी बनाने लग रही है तो हम लोग खाते ही, भूख लग रही है, सुबह से अच्छे से खाया भी नहीं हम लोगों ने, है ना। टेस्ट करके बताओ डैडी कैसा है भाई। पहले लेता हूँ मैं एक पीस। अरे वाह, और पीस भी भाई देखो कितना बढ़िया गला है, बहुत अच्छे तरीके से गल गया पीस। तो अब टेस्ट करके जरा बताओ डैडी, ग्रेवी के साथ लगा कैसा बना है भाई। कढ़ाई में इसलिए खा रहे हैं, कैसा ना सोचा कढ़ाई में खा रहे हैं क्योंकि कोई और खाने वाला नहीं, मैं और यही है खाने वाला। हाँ यही बात है भाई बस। नमक और सब कुछ सही है मेरे हिसाब से, सही है, तुम्हें डालना किसी को डालना। अच्छा तो गाइस चलो देखते हैं खा के हम भी, यार भूख लग रही है बहुत तेज। A few moments later. तो गाइस खाना हो चुका है, अब हम अपना सारी चीजें पैकअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे किचन हमने बंद कर दिया, सारा सामान यहाँ पे हमने पैक कर लिया, वापस इसे गाड़ी पे रख देते हैं। और जो भी कूड़ा कचरा था गाइस वो सारा तो हमने इसमें जला दिया, कुछ भी कूड़ा कचरा आप आसपास कहीं भी देख सकते हो, हमने कुछ भी नहीं फैलाया क्योंकि ना फैलाना चाहिए, क्योंकि यार इतनी अच्छी जगह अगर हम ऐसे बर्बाद करेंगे ना गाइस तो ये खुद के लिए एक बहुत शर्म वाली बात है। हम इसे भी डाल दो इसमें, ये देखो सब इसमें डाल दिया भाई हमने, कुछ भी इवन चिकन की जो हड्डियाँ थी ना गाइस वो भी हमने जला दी, इसमें हमने कुछ कहीं नहीं फेंकी है क्योंकि जंगली जानवरों को डर रहता ना रात में। अभी तो मेरे को ये चलो एक बार फिर बेड सेटअप करते हैं गाइस, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने बेड सेटअप में, आप देख सकते हो भाई आराम से मेरे पैर वहाँ पे ना फैले हुए हैं, ये देखो। और डैडी कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया, मैं तो घर जैसे आराम आ रहा है मुझे तो, है ना, वैसे भी इतने ज्यादा थके हुए यार। इस दोनों सीटें देखो, मैं आगे फोल्ड कर दी, जो सारा सामान था वो भी आगे आ गया। और गाइस मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही की मेरे से अभी तक बोला नहीं जा रहा, ये ना खोलने से ना ठंड आ रही है। अच्छा भाई तो बंद रहे ठंड में, गाड़ी से बंद कर दूं क्या? फिर बंद कर दो क्योंकि ना ठंड आ रही है, बस इधर का मैंने खोल रखा है, सफोकेशन नहीं हो जाएगी फिर? नहीं मैंने इधर के दो खोल रखे हैं, सुनो इधर के खोल रखे दोनों, बाकी बंद कर दो। सर्दियों में ना कभी सफोकेशन नहीं होती है, नहीं होने वाली बात नहीं, मैंने इधर के खोल रखे हैं पहले से ऑलरेडी, तो बंद कर दो। तो गाइस यहां पे एक भसड़ हो गया, हमारा टायर ये फंस गया पीछे, डैडी इतनी देर से लग रहे थे रात के टाइम में, वही बीर बिलिंग वाला सीन बन गया हमारे साथ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। डैडी एक बार सेल्फ मार के आ गया, हमने अब जैक लगाया इसमें और ये अदर उठाया, रुक जा एक सेकंड, पेज कस रह गया नीचे, एक सेकंड रुकना, पत्थर तो नक्शे लगा लेते डैडी इसमें, पत्थर किस लगाओगे, पत्थर लगा कौन सा लगाएगा, मैं बड़ा वाला पत्थर लगा दूंगा इसके नीचे, लगा दे ये वाला। चलो एक बार अब करो ट्राई, बस एक बार हो जाए यार, बहुत देर से लगे हुए, देखो बिल्कुल सुनसान है जंगल में लगे हुए, देखो ये अरे एक सेकंड रुको, फ्री घूम रहा है, फ्री घूम रहा है, हाँ या तो पीछे भी लगाना पड़ेगा शायद एक पत्थर, हाँ वो आगे पत्थर लगा, पत्थर भर दे इसमें, आगे तो भर दे, पीछे और करना पड़ेगा, सुनो थोड़ा और उठाओ इसे अभी भाई, बिल्कुल अगर तू घूमेगी ना इसमें, सुन मेरी बात, इसमें पत्थर भर जाएंगे नीचे तक, मिट्टी मिट्टी पत्थर भर दो, चिकने चिकने पत्थर लेकर करो यार, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गाइस, करवाती हूं, हां करो। हमने सोचा कि हम उस साइड गाड़ी ले जाएं अपनी क्योंकि बिल्कुल हम नदी किनारे हैं, करा तो गाइस ये हो गया सीन अपने साथ, किस्मत इतनी खराब है ना अपनी, क्या बताएं बस। अब भाई पीछे की साइड लगाओ इसमें, एक काम करो छोटे पत्थरों में, डैडी स्किटी करेगा ये, और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी फिर चीजों में, देख लेना तुम भाई, टायर में से बहुत गंदी ना जलने की स्मेल आने लग रही है, और देखो जंगल में यार ऐसे करने लग रहे हैं हम, भर दो सारे, सुबह देखेंगे फिर, हाँ सुबह ही करेंगे और क्या करेंगे अब, और फंस गई है इमरजेंसी में, कहीं भाग भी नहीं सकते हम तो, कोई आसपास है भी नहीं जिसे बुला सके हम, फिर से वही बीर बिलिंग वाला सीन हो गया अपने साथ, तो उस टाइम गाड़ी बंद हो गई थी, अब गाड़ी तो खुली है पर ये फंस गई यहाँ पे, हाँ वही तो चाबियों का सबक मिला तो अब ये मिल गया भाई, मिट्टी बहुत ज्यादा है गाइस यहाँ पे, चलो 3 2 1 चलो, ओ, ओ, नहीं हुआ मेरे लग गए पत्थर, नहीं हुआ पीछे वाले पत्थर ना, पत्थर मेरे लग गए यार, पूरे फेंक दिए उसने पत्थर पीछे की साइड, पीछे की साइड पत्थर फेंक रहा है, हाँ बड़े पत्थर यार, पीछे तो पत्थर लग रहे जोर से लगे, अरे बहुत तेज लगे यार पत्थर तो मेरे, गाइस मेरे ऊपर आगे देखो कपड़े क्या हालत हो गई यार, एक और ट्राई करने लग रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि इस पूरे टायर को बिल्कुल अदर उठा रहे हैं, मतलब टायर इतना ज्यादा घिस चुका है ना भाई ये वाला, आप देख सकते हो ये देखो बीच वाली पट्टी कैसी होगी यार, कपड़े खराब हो गए डैडी और मेरे दोनों के, मेरे ऊपर तो पत्थर लग क्या यार बहुत ज्यादा तेज, बात नहीं यार कपड़े तो चेंज करेंगे, ये इसको उठाने दे, उठ रहा है डैडी टायर तो धीरे धीरे करके, देखो गड्ढा भी तो कितना गहरा हो गया इसमें, गाड़ी तो पूरी उठ गई, अब गाड़ी तो पूरी उठ गई पर टायर नहीं उठ रहा ना,
टायर हमें बिल्कुल अदर उठाना पड़ेगा, इसके नीचे पत्थर लगाना पड़ेगा बड़ा बहुत, और ऊपर उठाना पड़ेगा डैडी उसके लिए। बस मैं ये कह रहा हूँ डैडी कि ज़्यादा अंदर हाथ मत घुसाओ, क्योंकि वो जैक पे है ना, फिर जैक टेढ़ा होने लग रहा, कभी भी ये घिस सकता है। एक काम करो, ये बड़ा वाला पत्थर डैडी इसके पीछे लगाओ, ये वाला बड़ा पत्थर ना ऐसे इसकी पीछे डाल दो, ये वाला। हाँ अब क्या है, और जैक कर दो पूरा डाउन, फुल डाउन कर दो डैडी जैक, और ठीक है ताकि इस पे पूरा प्रेशर आ जाए, आगे से लेके पीछे तक पूरा भर दो, आगे से लेके पीछे तक, आगे भी कर दो पूरा, ताकि वजन से पत्थरों पे आए, फिर मिट्टी पे ना आए। हाँ ये आगे भी ऐसे करना पड़ेगा, नहीं एक बार यहाँ से निकल जाए, एक बार यहाँ चढ़ने भी चाहिए ना भाई, यहाँ भी चढ़नी चाहिए, यहाँ नहीं चढ़ेगी तो फायदा क्या हो। चलो ऐसे प्लान, अब जैक करो पूरा डाउन, एक बार ढंग से कर लेंगे एक बार। A few moments later. Guys, finally निकल चुके भाई गाड़ी, और बड़ी मुश्किलों के बाद मैं बताऊँ वो एकदम से टायर घूमने लग गया, फ्री होगा, मैं सोचा भाई अब नहीं निकलेगी, मैंने छोड़ी नहीं भाई कसम, भाई डैडी भाई खींचते हुए लेके आए सामान वापस था भाई, ऐसी जगह पे नहीं खड़ी करेंगे डैडी, आज फिर एक और सबक मिलेगा गाइस हमें। तो गाइस अब आइडिया सही में डैडी, ये वाला आइडिया सही वर्क कर गया, कहाँ घिसा टायर, अरे टायर घिस गया भाई, कोई नहीं घिसने के लिए होते हैं टायर। और भाई बच गया यार, थैंक गॉड, ऐसे जंगल में आप खुद देखो कुछ नहीं है दूर दूर तक कुछ है। गाड़ी का ईसीएस बंद करके स्टार्ट, ईसीएस बंद करके स्टार्ट करो, चलो ठीक करता हूँ। तो गाइस अभी फाइनली वापस गाड़ी में आ गए एक जगह साइड करने के बाद, मतलब हम अच्छे वाले सोने जा रहे थे, मैंने आपको बताया था कि भाई हम सो रहे हैं नींद आ रही है, पर मम्मी के मन में बात आई कि एक काम करते गाड़ी को ना थोड़ा दूर कर लेते, क्योंकि हम नदी के बहुत ज़्यादा पास थे, और फिर ये जो एरिया है ना ये फ्लड प्रोन एरिया है, तो इस वजह से मम्मी ने कहा कि थोड़ा दूर कर लेते रिवर से। डैडी जी हमारे कहने लग गए ठीक है कर लेते हैं। अब भाई डैडी ने तो जाके गाड़ी में सेल्फ मारी और आगे बढ़ा के ले लगे, डैडी फिर बताओ क्या हुआ, गाड़ी फंस गई और क्या हुआ। इतनी बुरी फंस गई कि आधे आधे टायर फंस गए, मैं वही तो भाई साहब बोल रहा हूं आया, क्योंकि जैक लगाए, जैक लगाकर गाड़ी को उठाते, फिर भी उसके बावजूद भी नहीं निकली, फिर हमने सोचा कि क्योंकि जैक के ऊपर गाड़ी फिर बिल्कुल फ्री घूम रहा था एक टायर, और एक टायर जो है इसका वो इसको पावर नहीं दे रहा था, तो हमने क्या किया पूरा जैक चढ़ा के बिल्कुल ऊपर करके उसके नीचे टायर के नीचे पत्थर भरे, और फिर एकदम फिर मैंने प्रेशर से निकाल दी, वो तो शुगर करो मिट्टी थी, अगर बर्फ होती तो पता नहीं क्या होता, बर्फ होती नहीं निकलती, ये भाई साहब चौड़े भरवा देती है गाड़ी तो, इसलिए गाइस गाड़ी लो तो 4x4 लो वरना मत ही लो। सच में कैंपिंग के लिए मैं तो ना अब महिंद्रा से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूं, दो चांस हो गए, उस दिन शीशे वाला चांस हुआ और आज ऐसे जंगल में इतना बुरा यार, इनकी रोड साइड असिस्टेंस फिर बचाने भी नहीं आती, यहाँ कोई ना आने वाला है, वहाँ नहीं आया, यहाँ कौन आएगा, यहाँ कौन आएगा, वही तो। चलो कोई नहीं, चलो गाइस अब सोने जा रहे हैं, अच्छे के लिए होता है, सीख मिल गई एक, रात में आइडिया आ गया, चलो ठीक सीख मिल गई एक, और तो गाइस अब सुबह भी मिलेंगे, सोने जा रहा हूं मैं, आप लोगों का भी धन्यवाद। आप लोग हमारी ऐसी ऐसी चीजें देखते हो, आप भी सोचते हो यार सारे कल सारे काम हमारे साथ ही होते हैं, पता नहीं इस गाड़ी के साथ दिक्कत है हमारे साथ दिक्कत, यही तो। चलो कोई नहीं अब सोने जा रहे हैं गाइस, ओके बाय।